उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को जन्मी भारतीय गणराज्य की भावी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने दुख भरे अतीत को छोड़कर आज मुस्कुराहट को अपना चुकी हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह राजनीति में आएंगी। एक गरीब आदिवासी संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी जी का विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संवैधानिक प्रमुख बनने का सफर काफी कठिनाइयों से भरा रहा। वर्ष 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी शुरू की। इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। और फिर वर्ष 1997 में एक बदलाव उनकी जिंदगी में आया और राजनीति का पहला कदम रखते हुए उन्होंने अपने मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से एक वार्ड पार्षद चुनी गई। उड़ीसा के रायरंगपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 बार विधायक रहीं। द्रौपदी मुर्मू जी सन 2000 में उड़ीसा सरकार में पहली बार वाणिज्य परिवहन मंत्री और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनी। द्रौपदी मुर्मू जी 18 मई 2015 को झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तथा पहली आदिवासी राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त किया। झारखंड के नवम राज्यपाल के रूप में 12 जुलाई 2021 तक अपनी सेवाएं दी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जून को राष्ट्रपति पद हेतु अपना नामांकन किया। इनके नामांकन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक के रूप में तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बड़े राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए।